नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लल्लम टॉप की पड़ताल। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान उन्हें मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग वाले दावे को नकारते हुए इसे फव्वारा बताया है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग का बताकर शेयर किया जा रहा है। इन्हीं में से एक तस्वीर है जिसमें खुदी हुई जगह के बीच शिवलिंग नुमा आकृति नजर आ रही है। दावा है शेयर हो रही तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की है, जहां जांच के बाद शिवलिंग होने के प्रमाण मिले हैं। ट्विटर यूजर हिडन हिस्ट्री ने वायरल तस्वीर ट्वीट कर कैप्शन अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है, अद्भुत है मुगल वास्तुकला, उन्होंने हमेशा पहले तहखाने में एक प्राचीन हिंदू मंदिर बनाया। #ज्ञानवापी मंदिर #SaveShivling #वाराणसी। कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे ही दावों के साथ वायरल तस्वीर को साझा किया है। दी लल्लम टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। वायरल पोस्ट में शेयर हो रही शिवलिंग की तस्वीर साल 2020 की है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को वियतनाम में 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला था। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने शेयर हो रही वायरल तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजा, तो हमें वियोन न्यूज की वेबसाइट पर भी 28 मई 2020 को पोस्ट किए गए एक आर्टिकल में शेयर हो रही तस्वीर मिली। इस आर्टिकल के मुताबिक तस्वीर में दिख रहा शिवलिंग 1100 साल पुराना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में चल रही संरक्षण परियोजना के दौरान 9वीं शताब्दी के अखंड बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की थी। ASI की 4 सदस्यों की टीम ने परिसर में 2 अलग अलग समूहों में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और 6 अन्य शिवलिंग भी मोसोन मंदिर परिसर में पाए गए। साथ ही रिवर्स इमेज सर्च की मदद से ही खोजने पर हमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के ट्विटर अकाउंट से 27 मई 2020 को किया गया एक ट्वीट मिला। इस ट्वीट के कैप्शन में जयशंकर ने वियतनाम में 9वीं शताब्दी के शिवलिंग मिलने पर भारत और वियतनाम के पुराने सभ्यतागत जुड़ाव को याद करते हुए पुरातत्व विभाग के प्रयासों को सराहा था। जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमने कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया, तो हमें रिपब्लिक वर्ल्ड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 27 मई 2020 को पोस्ट की गई वीडियो रिपोर्ट भी मिली। रिपोर्ट के कैप्शन के मुताबिक तस्वीर में दिख रहा शिवलिंग 1100 साल पुराना है, जो वियतनाम के एक मंदिर में मिला था। फाइनल नतीजा आपको बता देते हैं। दी लल्लम टॉप की पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल पोस्ट में शेयर हो रही शिवलिंग की तस्वीर साल 2020 की है। 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में चल रही संरक्षण परियोजना के दौरान 9वीं शताब्दी के अखंड बलुआ पत्थर का शिवलिंग मिला था। आपके लिए पड़ताल की हमारी साथी अनुष्का ने। देखते रहिए दी लल्लम टॉप। शुक्रिया।